बाद आपका स्वागत और कर्तव्यली खबर की ओर। राजधानी रायपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल के संचालक समिति की बैठक हुई। बैठक में 15 मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी बीच चर्चा के बाद 59 करोड़ के बजट का पास किया गया और जो मौसम सदस्य बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे और रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि कार्यपालिका वित्तीय समिति की बैठक में बजट में चर्चा हुई है। स्वीकृति के बाद बजट पास किया गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी उपयोग करते हुए शिक्षा को मजबूत कैसे करें, इस पर चर्चा हुई। देखिए, आज तो लेखा समिति की इसमें लोक समिति की बैठक थी जिसमें हम तमाम लोग शामिल थे और जिसमें प्रमुख मुद्दे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल को चलाने में थे वो तमाम मुद्दे इसमें आ गए। बजट 19-20 का जो बजट था उस पर चर्चा हुई। उसमें उस बजट को जो हमने प्रस्तुत किया था उसको यथावत पास कर दिया गया है और बाकी जो मुद्दे थे वो सब सामान्य मुद्दे थे। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका और वित्त समिति की बैठक थी जिसमें कि जो एजेंडे थे वो बजट से संबंधित थे कि क्योंकि इलेक्शन के ड्यूरेशन में जो बजट वगैरह थे, जो इनकम एक्सपेंसेस जो हुए थे वो उनकी कार्योत्तर स्वीकृति थी तो उसे पास किया गया है और नई जो योजनाएं हैं मंडल की जो बच्चों की परीक्षाएं लेने की संबंधित हैं, इसके अलावा बच्चों को जो समय पर किस प्रकार से क्या कोई शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए या शुल्क घटाना चाहिए और डिजिटल और टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करते हुए हम और अच्छे से मजबूत करके हम शिक्षा के तंत्र को जो है मजबूत कर सकते हैं।